hello everyone good evening welcome to unacademy neat welcome to our second class of reproductive health आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बिकॉज इस छोटे से चैप्टर में मेजरली जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टॉपिक में से आते हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिज कल हमने क्या बात की थी वी टॉक अबाउट लिटिल बिट ऑफ एस है ना जो सब्जेक्ट आपको इतना पसंद नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है अगर बढ़ रही है तो उसके लिए क्या कंट्रोल मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए वी टॉक अबाउट अ प्रोग्राम दैट इज आर सी एच प्रोग्राम

थे आरसीएच के अंदर इनिशिएटिव थे जिसमें सबसे बड़ा इनिशिएटिव था इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रोसेप्टिव डिवाइस अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कपल ठीक है तो आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे और दो मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे याद है सबको दो क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क क्वेश्चन उन होमवर्क क्वेश्चंस को भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइट सो लेट इस स्टार्ट विद आवर लेक्चर टू ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ माय नेम इज सी इ अब तक आप पहचान गए होंगे आई एम योर बायोलॉजी एक्सपर्ट ऑन अन अकेडमी नीट चैनल हमारी इतनी अमेजिंग टीम है यू हैव एवरी ओवर हेयर फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जोअलॉजी तो आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हमारी टीम ने एक प्रॉमिस किया है हमारा एम है कि हम आने वाले साल में कहां से निकालेंगे? से निकालेंगे, करने ही आते हैं और अगर आप थोड़ी सी और सीरियसनेस और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों रैंक दूर नहीं है मार्क्स दूर नहीं है आपसे ठीक है तो जब भी आप यहां सेशन अटेंड करने आए रिविजन एक मस्ट चीज है आप कहां से करेंगे पहली चीज मैंने सबको सिखाई हुई है कि ये NCRT सीरीज है इसमें एनसीआरटी लेके आना है दूसरी चीज घर जाकर हर सेशन के बाद खुद से एनसीआरटी जरूर पढ़ेंगे इसको आप जितना बार पढ़ें उतना कम है बच्चों बारी 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 रीड करेंगे आपको हर टर्न में कुछ ना कुछ नया पता चलेगा तो यहाँ पर जो मैं आपको कराती हूँ साथ में जो शॉर्ट नोट लिखती हूँ उसकी पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी यू हैव टू गो इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ माई सेक्शन ऑफ माई सेशन वहां पर आपको क्या मिलेगा

डिफरेंस क्या है यूट्यूब और इसमें देखो यूट्यूब में कई बार आप लोगों के डाउट्स हैंडल नहीं हो पाते बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं ठीक है आप लोग भी, भी कभी कभी डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं बिकॉज एवरी वन इज़ नॉट हेयर फॉर स्टडी

अगले साल पेपर देना है यस yes, 2021 में एग्जाम देना है यू कैन गो विद वन ईयर और यू कैन गो विद सिक्स मंथ्स एज वेल इनमें से आप कोई भी कोर्स लेंगे और आप देखेंगे इन सब में से सबसे कम पर मंथ कॉस्ट नीचे से चालू हो रही है इसकी सबसे कम है देन थोड़ी सी ज्यादा एंड देन थोड़ी सी ज्यादा ठीक है सो द मोस्ट इकोनॉमिकल वन फॉर यू दे आर गोइंग टू बी वन ईयर एज वेल एज टू ईयर कोर्स इनकी कॉस्ट और कम हो सकती है क्या अगर आप बच्चों यूज करेंगे ये कोड सी प्लाइ जिससे क्या होगा टेन परसेंट ऑफ ऑन टोटल अमाउंट एंड सब्सक्रिप्शन विल कॉस्ट दिस मच देखो बच्चों आने वाले छः महीने जो 2021 वाले हैं मैं उनको बता दूं मई में, में अगर मैं एग्जाम लेके चल रही हूँ तो अगले छः महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सच्ची में सीरियस हैं आप नीट क्रैक करना चाहते हैं देन दिस इज द वन फॉर यू सिक्स मंथ का कोर्स आपको वैसे तो एक साल का लेना चाहिए लेकिन अगर बच्चे थोड़ा सा भी फाइनेंशियल क्रंच है देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर एटलीस्ट सिक्स ईयर कोर्स सिक्स मंथ कोर्स ताकि ताकि बच्चों आपका एक भी दिन आने वाला वेस्ट न

मैम इज अवेलेबल आई विन ईच एंड एवरी वे पॉसिबल यू कैन यूज दिसम का नाम कॉस्ट दिस मार्च अवेलेबल इन वन ईयर एज वेल एज टू ईर फॉर्मैट ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज से दैट इज एनसीआर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है एग्जाम से पहले और इसमें जो पहले दो चैप्टर मैंने कराया है ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्लस रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे ट्वेल्थ क्लास में ये और एक बायोटेक्नोलॉजी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तकरीबन तीन क्वेश्चन आपके इस यूनिट में से बन सकते हैं बहुत आराम से ठीक है और आज का यूनिट आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुने ना अब सबसे पहले हम होमवर्क क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे याद है याद नहीं है हाँ जी जिन बच्चों ने होमवर्क किया था जिन्होंने कमेंट किया था फटाफट से सेशन को क्या कर दो लाइक कर दो चैट सेक्शन में भी फटाफट से लाइक भेज दीजिए थी मुझे पता चल जाए कि यस यू हैड डन योर होमवर्क मैं आंसर बताने वाली हूँ आप मैच कर लेना मैच कर लेना ठीक है कल मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया था सबसे पहला क्वेश्चन था ये जो बच्चे कल नहीं आए थे पहले तो इस क्वेश्चन का अभी के अभी आंसर दो और फिर जाकर दोबारा कल वाली वीडियो देखना ताकि आपको आइडिया लगे कि कल मैं आपने क्या पढ़ाया था क्योंकि एक एक वर्ड एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है आप एक भी लेक्चर इस सीरीज का मिस नहीं कर सकते राइट सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज होमवर्क क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज मोस्ट कन्विंसिंग फैक्टर मोस्ट कन्विंसिंग फैक्टर इंडिकेटिंग रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ अ कंट्री सबसे कन्विंसिंग फैक्टर कौन सा है जिससे बच्चे पॉपुलेशन ग्रोथ एक कंट्री की होती है ठीक है देख लेते हैं नंबर ऑफ लोग बढ़ेंगे तभी बच्चे पॉपुलेशन ग्रोथ होगी लोग कैसे बढ़ेंगे बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट क्या है कम है ठीक है पहला लो मोर्टेलिटी रेट ठीक है मोर्टेलिटी रेट इज डेथ रेट डेथ रेट कम होगा तो बच्चे पॉपुलेशन uh, ग्रोथ होगी ये भी बिल्कुल ट्रू है लेकिन आप बाकी के ऑप्शंस पढ़े कभी भी आंसर नहीं देंगे ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि ए ठीक लग रहा है चलो ए पे लगा देते हैं अरे बी सी डी तो पढ़ लो शायद नीचे ऑल ऑफ द अबव लिखा हो कुछ भी हो सकता है ठीक है हाई नेटेलिटी रेट और बर्थ रेट ये भी बिल्कुल ठीक है बर्थ रेट ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी बढ़ेगी लो रिप्लेसमेंट लेवल लो रिप्लेसमेंट लेवल से बच्चों पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं कम होगी फॉल्स स्टेटमेंट नेक्स्ट हाई पॉपुलेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन ट्रू अब आपको चूज क्या करना है एक करना है एक क्या होगा इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट कन्विंसिंग फैक्टर जिससे पॉपुलेशन किसी जगह की बढ़ती है कल एक ग्राफ किया था याद है P1, P2, P3 जिस पॉपुलेशन में P1 का नंबर सबसे ज्यादा था वन मतलब प्री रिप्रोडक्टिव एज वालों का नंबर सबसे ज्यादा था दो वर्दी एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन एंड दिस नंबर पी वन में कौन है प्री रिप्रोडक्टिव एज आपकी एज के यंग चिल्ड्रन आते हैं इस एज में अगर इनका पॉपुलेशन क्या होगा तो आने वाले समय में बच्चों यही रिप्रोडक्टिव एज में जाएंगे एंड द पॉपुलेशन इज गोइंग टू ब्लास्ट एट दैट टाइम सो द मोस्ट कन्विंसिंग फैक्टर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी ये बच्चों ने कुछ ने ए किया होगा कुछ ने बी किया होगा तो आप इसको ठीक कर लीजिए वो भी है फैक्टर बट सबसे ज्यादा कन्विंसिंग क्या है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किससे बढ़ेगी दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द यंग एज इन प्री रिप्रोडक्टिव एज यस मैच कर लिया सबने चलिए आगे आ जाइए अगला सवाल क्या कहता था दैट इन इंडिया पॉपुलेशन क्रॉस 1.2 बिलियन इन मे 2011 इतनी पॉपुलेशन क्रॉस कर चुकी है तो क्या ये अच्छी बात है नो बच्चों दिस इज समथिंग वेरी सीरियस एंड अ कॉज ऑफ कंसर्न जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए और कंट्रोल पे हमारे आने वाले आगे स्टेप्स होने चाहिए ठीक है द प्रोबेबल रीजन फॉर दिस अब इतने पॉपुलेशन बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है ठीक है ड्यू टू डिक्लाइन इन क्या चीज कम हुई कि पॉपुलेशन बढ़ी क्या चीज कम हुई कि पॉपुलेशन बढ़ी ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट क्या ये कम हुआ मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट बिल्कुल ये कम हुआ तभी पॉपुलेशन बढ़ी ट्रू इनफेंट मोर्टेलिटी रेट इंफेंट का डेथ रेट भी क्या हुआ कम हुआ तभी पॉपुलेशन बढ़ी नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज क्या इनका डिक्लाइन हुआ नो no बच्चे पिछले क्वेश्चन में क्या है इनका डिक्लाइन नहीं इनका तो बच्चे इंक्रीज हो गया है सो दिस इज फॉल्स डिक्लाइन इन डेथ रेट यस डिक्लाइन इन डेथ रेट तो पॉपुलेशन क्या करी पड़ी तो कौन से कौन से स्टेटमेंट ठीक हो गए वन टू एंड फोर द करेक्ट आंसर यस बच्चों साथ साथ देते जाइए द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी क्लियर है सबको एवरी चलिए हमारे होमवर्क क्वेश्चंस हो गए मुझे बता दो सब बच्चे कमेंट सेक्शन में कि किस किस ने ठीक आंसर दिया किस किस को समझ आ रहा है साथ में चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टॉपिक दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव डिज सबसे पहले वट आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिज आर दोज मेथड्स विच आर यूज टू प्रिवेंट अन कॉन्सेप्शन यूज टू प्रिवेंट अन प्रेगनेंसी लेकिन हर मेथड एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं होता एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वही है जिसके साइड इफेक्ट सबसे कम है जो यूजर फ्रेंडली है जो अप्रोचेबल है जो चीप है जो सोसाइटी के हर सेक्शन का पर्सन उसको अडॉप्ट कर सकता है सो वट इज एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन देखो यहाँ पे हर लाइन में से छोटा सा चैप्टर है कुछ चंद पेजेस का चैप्टर है अगर इस चैप्टर में भी हम थोड़ी कंजूसी दिखाएंगे कि ये वाला छोड़ देते हैं पॉपुलेशन वाला छोड़ देते हैं इस वजह से तो कभी क्वेश्चन नहीं आता लास्ट वाली सफरी छोड़ देते हैं कभी क्वेश्चन नहीं आता इनफर्टिलिटी तो बड़ा ही ईजी सा टॉपिक है ये तो हम खुद से कर लेंगे तो अगर आप ये सब करेंगे बायोलॉजी में भी कंजूसी नहीं चलेगी बच्चों थोड़ा सा दिल खोलना पड़ेगा दिल खोलने का मतलब है अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी एक एक वर्ड को समझना पड़ेगा चाहे वो पॉपुलेशन है चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव है चाहे वो इनफर्टिलिटी है ठीक है चलिए सो वट इज एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किसको बोला जाता है पहले कॉन्ट्रासेप्टिव देख लो कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है दीज आर दो मेथड्स टू प्रिवेंट किसको प्रिवेंट करेंगे अनवाड प्रेग्नेंसी ठीक है मेथड्स टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी दीज आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी यूजर फ्रेंडली हर कपल इसको इजीली यूज कर पाए इसके लिए कोई एक्सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए मोस्ट ऑफ देम के लिए

ठीक है तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की वन बाय वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स अब हर मेथड का नाम पता होना चाहिए हर मेथड का मोड ऑफ एक्शन पता होना चाहिए एम ओ ए इसी में से क्वेश्चन बनेगा कि अगर ये मेथड है ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर रहा है कैसे कर रहा है एवरी टाइप ऑफ मेथड हैज़ डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी एनसीआरटी में पता है क्या करो एक पेंसिल लेके आओ येस पेंसिल पेन कुछ तो होगा घर में लिखने के लिए वो लेके आइए पकड़िए उसको एनसीआर के जो साइड में स्पेस थी हुई है ना यहाँ पे आप हर मेथड का क्या लिखेंगे मोड ऑफ एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन बनेंगे चलिए साथ साथ लिखते हैं कम ऑन ओपन योर एनसीआर एंड ब्रिंग पेन सो वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रोसेप्टिव मेथड्स आर अवेलेबल बहुत सारे मेथड्स हैं विच कुड बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इन टू द फॉलोइंग कैटेगरीज सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे दैट इज गोइंग टू बी नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और ट्रेडिशनल मेथड ये वो मेथड है बच्चे जिसमें कोई डिवाइस नहीं यूज हो रहा कोई मशीन नहीं यूज हो रही कोई एक्सटर्नल हेल्प यूज नहीं हो रही दिस इज सिंपल नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इसमें आगे तीन प्रकार के हैं तीनों डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बच्चे बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन विच देयर इज फिजिकल बैरियर जो गैमेट्स को मीट नहीं करने दे रहा तीसरा है आई यू यूडी विच इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यूट्रस के अंदर प्लेस होने वाले डिवाइसेस को क्या बोला जाता है आई यू यूडी चौथा है ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव क्या है ओरल ओरल मतलब माउथ से ली गई चीज पिल्स जो टेबलेट्स हैं टेबलेट्स की फॉर्म में जो कॉन्ट्रासेप्टिव आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पांचवा बच्चे इंजेक्टेबल्स इंजेक्शन है ना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव तो टेबलेट हो गया इंजेक्टेबल्स क्या है इंजेक्शन के फॉर्म में अगर हम कॉन्ट्रोसेप्टिव लें सिक्स क्या है इम्प्लांट दीज आर स्मॉल यू नो एक माचिस की तिली की तरह कैप्सूल होते हैं विच आर प्लेस्डाइड बीनीथ योर स्किन इसके अंडर यहाँ प्लेस कर दिए जाते हैं एंड देन देस कॉन्ट्रासेप्टिव एंड सेवेंथ मैथड द लास्ट वन इज द परमानेंट ऑलमोस्ट परमानेंट मैथड टर्मिनल मेथड जिसमें सर्जरी इन्वॉल्व है दैट इज सर्जिकल मैथड आज हम इनमें से कुछ मैथड्स के बारे में बात कर लेंगे लेट इस्टार्ट विथ नेचुरल मेथड सबसे कौन सा पहला कौन सा मेथड है बच्चों नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ठीक है तो नेचुरल मेथड मैंने बताया वो मेथड है जिसमें कोई डिवाइस यूज नहीं हो रही है कोई सर्जरी यूज नहीं हो रही है कोई मशीन यूज नहीं हो रही है तो क्या यूज हो रहा है देखिए नेचुरल मेथड विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल प्रिंसिपल की बात आ गई प्रिंसिपल मतलब मोड ऑफ एक्शन इट विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्प मीटिंग ये मिलने ही नहीं दे रहा गैमीट्स को गैमीट नहीं मिलेंगे तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं फर्टिलाइजेशन नहीं तो कोई इम्प्लांटेशन नहीं और इम के बाद ही प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होती है तो यहाँ पर अगर इम्प्लांटेशन ही नहीं हुई फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई तो नो प्रेगनेंसी राइट सो वॉट इज एम ओ एम एमओ ए क्या है इसका लिख लो साथ में एमओ ए मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस नेचुरल मेथड इज गोइंग टू बी इट अवॉइड मीटिंग ऑफ मीटिंग ऑफ स्को मैं अभी आप खुद से समझ भी जाएंगे कैसे अवॉइड किया ठीक है सबसे पहला टाइप ऑफ नैचुरल मैथड इज ए टाइप दैट इज पीरियोडिक एबस्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल्सो कॉल्ड एज बच्चों कैलेंडर मेथड कि फीमेल अपने पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में निकालेगी फाइंड आउट करेगी दैट विच पीरियड इज अ सेफ पीरियड और उस सेफ पीरियड में दे विल हैव हाँ, दे विल हैव क्वाइटर्स सो दैट सो दैट स्पर्म और ओवा कभी भी एक्चुअल में मीट ना कर पाए ठीक है ठीक है बच्चो चलिए स्प एंड ओवा आना था हाँ। Just a second. Yes. So starting with starting with Bacho pehla natural method, periodic abstinence. It is one such method in which couple avoids or abstains. फ्राम क्वाइटस फ्राम डे टेन टू सेवेंटीन ऑफ द मैंट्रल साइकिल देखो करना क्या है इस मेथड में इस मेथड में द क्वाइटस हैज टू बी अवॉइडेड इन द फर्टाइल पीरियड फर्टाइल पीरियड में नहीं करना है एंड बाकी का पीरियड इज कंसिडर्ड एज अ सेफ पीरियड एंड एट दैट टाइम दे कैन हैव क्वाइटस अब फर्टाइल पीरियड कौन सा है कैसे कैलकुलेट करें देखिए सिंपल सा फंडा बताते हो देखिए मैंस्ट्रल साइकिल मान लेते हैं वन टू ट्वेंटी एट डेज सो डे वन टेल डे ट्वेंटी एट ये इंपॉर्टेंट है इसको सीख लेना कैसे निकाला है इन्होंने टेन टू सेवनटीन रट्टे नहीं मारने यहाँ पर बिल्कुल ये लॉजिकल है मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे टेन टू 17 आया ओविलेशन किस दिन होती है फोर्टीन डे राइट किस दिन हुई? 14th हुई। अब अगर एग रिलीज हुआ, plus minus two तो चलता ही है, है ना? दो दिन पहले भी हो सकता है, दो दिन बाद भी हो सकता है तो मतलब हम किस दिन पर आ गए डे पर आ गए इधर से सिक्सटींथ डे पर आ गए अब स्पर्म्स का लाइफ कितना है फीमेल बॉडी में आने के बाद स्पर्म कितने दिन जीवित रह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली बच्चों टू डेज तक दे कैन स्टे लाइफ मतलब अगर स्पर्म्स टें भी आए तब तक भी वो ट्वेल्थ डे तक सर्वाइव कर जाएंगे और ट्वेल्थ डे तो हमारा ओव्यूलेशन हो ही रहा है और ओवर बच्चे रिलीज होने के बाद कितने दिन सर्वाइव कर सकता है अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी फोर आवर्स मतलब अगर सिक्सटींथ डे भी अगर ओवर रिलीज हुआ इट कैन स्टे टिल वन डे तो मतलब टेंथ टू से फर्टाइल पीरियड फॉर अ फीमेल एंड इन दिस टाइम देयर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी सो दिस पीरियड शुड बी अवॉयडेड तो ये बना ना कैलेंडर मेथड कैलेंडर में देख कर दे विल फाइंड आउट विच फेज इज अ फर्टाइल फेज एंड विच फेज इज नॉट फर्टाइल फेज समझ आया समझ आया अब आप बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछोगे कि मैम हर फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्वेंटी एट डेज का तो नहीं होता है डिफर करता रहता है है ना तो अगर टोटल नंबर ऑफ डेज डिफर करेंगे तो डे ऑफ ओविलेशन भी डिफर करेगा तो कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे दो मेथड है बच्चों डे ऑफ ओविलेशन निकालने के पहला मेथड पहला मेथड है बच्चों बेसल बॉडी टेम्परेचर कि फीमेल के टेम्परेचर को एवरी डे चेक करा जाए दिन में एवरी डे चेक करा जाए जिस दिन थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा हुआ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता बहुत माइन्यूट पॉइंट्स में डिफरेंस होता है जिस दिन डिफरेंस ज्यादा हुआ दैट डे इज कंसिडर्ड एज द दिलेशन क्योंकि ओविलेशन वाले दिन द बेसल बॉडी टेम्परेचर ऑफ फीमेल इट राइजेस और इसको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट थर्मोमीटर्स आते हैं आपके रेगुलर थर्मोमीटर से नहीं होता है कुछ डिफरेंट थर्मोमीटर्स हैं जो वेरी स्मॉल डिफरेंस लाइक डिफरेंस ऑफ पॉइंट थ्री डिग्री सेंटीग्रेड उतना तक भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो एक ये मेथड है दूसरा मेथड क्या है ओविलेशन का दिन निकालने का क्योंकि हर एक का दिन चौदह दिन तो नहीं होगा ओविलेशन का दूसरा मेथड को बोला जाता है बिलिंग्स मेथड क्या बोलोगे बिलिंग्स मैथड ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेथड विच चेक सर्विकल म्यूकस चेक म्यूकस अब इसको समझिए सर्विकल म्यूकस चेक करना आप जानते हैं बिफोर डे आउट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन कौन सा डोमिनेंट हार्मोन था बताओ सब बच्चे बताएंगे मुझे सब बच्चे सोच के बताएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने पूरा कर लिया है 14 डे से पहले ओविलेशन से पहले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टरॉन में से किसका अमाउंट ज्यादा होता है कौन सा डोमिनेंट हार्मोन है बहुत इजी सा सवाल पूछ लिया मैम ने है ना ऑप्शंस भी दो ही दिए फिफ्टी फिफ्टी चल रहा है यहां पर फिफ्टी फिफ्टी चार ऑप्शंस नहीं दिए दो ही दिए कौन सा डोमिनेंट है यस द डोमिनेंट वन इज एस्ट्रोजन और अगर आफ्टर फोर्टीन डे दे देखा जाए कौन सा डोमिनेंट है डोमिनेंट वन इज प्रोजेस्टेरोन क्योंकि तब ल्यूटियम बन जाएगा प्रोजेस्टेरोन हाई होगा now under the effect of estrogen cervical mucus becomes very thin and slippery very thin and slippery ये देखिए मान लीजिए यहां से डे वन से आप चालू हुए धीरे धीरे करके डे टू आया एस्ट्रोजन बड़ा और बड़ा और बड़ा, बड़ा बच्चों एंड बाय फोर्टीन डे मान लो ये कौन सा दिन है फोर्टीन डे सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन हो गया है और एस्ट्रोजन के अंडर सर्विकल म्यूकस क्या होता है सबसे ज्यादा स्लिपरी होता है थिन होता है तो आप स्लिपरीनेस और द कंसिस्टेंसी ऑफ द म्यूकस से भी पहचान सकती है फीमेल दैट विच वॉज द डे ऑफ ओविलेशन, बिकॉज ओविलेशन के टाइम पे द म्यूकस वेरी थिन एंड स्लिपरी और जैसे ही फोर्टीन डे के बाद आएंगे किसका अमाउंट बढ़ेगा प्रोजेस्टरॉन पहले इतना हुआ फिर थोड़ा और बढ़ा और बढ़ा और अल्टीमेटली प्रोजेस्टरॉन बहुत बढ़ गया एंड प्रोजेस्टरॉन के इफेक्ट के अंदर म्यूकस बिकम वेरी ड्राई इट बिकम Thick and usually dry days, in terms of mucus, they are considered as the safe days. Check. It. So, two methods say a female can find out which one. वॉज हर ओव्यशन डे ओवलेशन डे निकालेंगे तो ईजिली फर्टाइल फेज निकाला जा सकता है बट दिस इज नॉट एट ऑल अ रिलायबल मेथड बिकॉज कैलकुलेशन में गलती हो सकती है एवरी फीमेल इज नॉट एक्सपर्ट इन फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट डे ऑफ ओवलेशन और अगर मिस कैलकुलेशन एक भी दिन की हुई विन दैट केस प्रेगनेंसी में टेक प्लेस सो दिस इज नॉट वेरी मच रिलायबल द फेलियर रेट ऑफ़ दिस मेथड इज़ वेरी हाई ठीक है तो पीरियडिक एप्सेंट समझ आया समझ आया

withdrawal method or it is also called as coitus interrupters. now it is that method in which the male will withdraw the copulatory organ right before the ejaculation take it in which the male partner will withdraw the copulatory organ just before the

थर्ड मेथड इन केस ऑफ योर ये ओनली अभी तक हम नेचुरल ही कर रहे हैं अभी हमने अगला टाइप स्टार्ट नहीं किया तीसरा है बच्चों लैक्टेशन ए मेनोरिया लैक्टेशन लैक्टेशन का क्या मतलब था बता दो ब्रेस्ट फीडिंग को बोलते थे राइट आफ्टर द डिलीवरी ए मेनोरिया मतलब एबसेंस ऑफ मैं साइकिल ये सब आप सीख चुके हो तो डिलीवरी के बाद बच्चों प्रोलैक्टिन का अमाउंट क्या रहता है हाई रहता है देखो डिलीवरी के बाद द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन इन द मदर्स बॉडी इज वेरी हाई क्योंकि इसी से मिल्क बन रहा है प्रोलैक्टिन अगर हाई है इट विल इनहिबिट इट इज गोइंग टू इनहिबिट गोनाडोट्रोफिंस गोनाडोट्रोफिंस ठीक है अगर गोनाडोट्रोफिन इनहिबिट हुए तो एफएसएच की सिक्रीशन क्या हुई कम FSH कम है तो क्या follicles mature होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे नहीं नहीं हुए बच्चे तो क्या होगी? बताओ क्या नहीं होगी क्या नहीं होगी ओव्यूलेशन ओवलेशन नहीं हुई तो नो मेंस्ट्रुअल साइकिल लैक्टेशन एमेनोरिया मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवलेशन एंड देयरफॉर

पहले सिक्स मंथ्स लैक्टेशन होती है ब्रेस्ट फीडिंग होती है उस टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकल डज नॉट टेक प्लेस क्योंकि उस वक्त ओविलेशन नहीं होती है एंड दैट पीरियड इज़ कंसिडर्ड टू बी एज अ सेफ पीरियड बट एक चीज़ आप ध्यान से लिख लीजिए अपनी एनसीआरटी में दैट ये मेथड सिर्फ पहले छः महीने तक ही इफेक्टिव है चाहे फीमेल उसके बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है इट डज नॉट मैटर फर्स्ट सिक्स मंथ्स पर चाइल्ड इज ओनली डिपेंडेंट ऑन मदर्स मिल्क है ना बच्चा सॉलिड फूड नहीं खाता है उस टाइम पे प्रोलैक्टिन का अमाउंट क्या होता है ज्यादा होता है ज्यादा होने की वजह से बच्चे तब ओविलेशन नहीं होती है बट आफ्टर सिक्स मंथ्स बच्चा धीरे धीरे सॉलिड फूड भी खाने लगता है उसकी मदर्स मिल्क पे डिपेंडेंसी हल्की हल्की कम होती जाती है सो एट दैट टाइम दिस इज नॉट द रिलायबल मेथड सो दिस एज लॉन्ग एज अ मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड द चांसेस ऑफ are आर ऑलमोस्ट अब यहां पर एक वर्ड है एनसीआर ने छुपा के लिखा हुआ है कौन सा वर्ड है एज लॉन्ग एजर ब्रेस्ट फीड्स जब वो सिर्फ मिल्क ले रहा है कोई दलिया खिचड़ी दाल नहीं खा रहा है सिर्फ तभी तक ये मेथड काम करेगा हाउ एवर इट इज रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू सिक्स मंथस ये जो फिगर दी है इस फिगर में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते इसको हाईलाइट करना है रेनबो नहीं बनाना कल मैंने बताया था बच्चे का बना लेते, मैंने देखी है रेनबो नहीं बनाना बाद में बच्चों आप खो जाओगे बारिश होने लगेगी आंसुओं की हां जी जब डिवीजन का टाइम आएगा और पता ही नहीं चलेगा एनसीआरटी में से क्या पढ़ना है सो एज नो मेडिसिन डिवाइसेस आर यूज इन दिस मेथड है ना साइड इफेक्ट्स तो बच्चे होंगे नहीं so इसके बट फेलियर ऑफ दिस मेथड आर आल्सो वेरी हाई तो नेचुरल मेथड इज अ गुड मेथड बिकॉज इट डज नॉट हैव साइड इफेक्ट्स, बट इसके फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं आप जानते हैं पहला फर्टाइल फेज वाला मेथड पीरियॉडिक एप्सडेंट जिसमें कैलकुलेशन में गलती हो सकती है कैलेंडर मेथड में दूसरा विड्रॉल uh, मेथड में प्री जैक्युलेटरी फ्लूड में स्पर्म्स uh, हो सकते हैं और उसमें सेल्फ कंट्रोल भी चाहिए तीसरे मेथड के भी फेलियर रेट क्या है ज़्यादा है तो अब हमें एक नए टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इंट्रोड्यूस करना पड़ा जिसमें हम इन कमियों को क्या कर पाए पूरा कर पाए जिसका फेलियर रेट क्या हो कम हो प्लस हमें एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी चाहिए जिसमें बच्चों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी किसी तरीके से स्प्रेड ना हो ठीक है सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड एज बैरियर मेथड क्या नाम है अगले मेथड का बैरियर मेथड सो इन केस ऑफ बैरियर बैरियर का क्या मतलब होता है दीवार ठीक है सो इन बैरियर मेथड द गैमीट्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर फिजिकल मीटिंग ऑफ गैमीट्स इज प्रिवेंटेड दिस इज एमओ क्शन ऑफ दिस मैथड ठीक है नोट कर लो इसको नोट नहीं करना तो यहां पर इस पॉइंट को जरूर हाईलाइट करो कि किस मैथड का क्या एमओ ए है सच मैथडल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स फर्स्ट वन ए पार्ट इज दैट बैरियर मेथड विच इज वेरी कॉमनली यूज बाय द मेल पार्टनर यह भी पता होना चाहिए कौन सा मेथड कौन यूज कर रहा है सो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ कॉन्डम्स विच आर द बैरियर मेड अप ऑफ रबर और लेटेक्स ट आर यूज टू कवर द कॉपुलेटरी ऑर्गन एंड बच्चो दिस वे दिस वे बच्चो दे आर द वस ये जो बैरियर है ये क्या कर लेगा इट विल कलेक्ट द इचैकुलेटेड सीमेंट और इसी सीमेंट में क्या थे स्पर्म्स थे अगर स्पर्म्स बच्चे इन कॉन्डम्स ने कलेक्ट कर लिए तो दे विल नॉट रीच अप टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ठीक है सिंपल सा मेथड है so this can prevent conception one of the very popular brand which is marketed by government of india that is nirod for males ठीक है नाउ द यूज ऑफ हैज इंक्रीज इन ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट बेनिफिट देखो पहला benefit तो क्या है दिस इज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रेगनेंसी को अवॉइड करेगा बहुत इफेक्टिवली किया दूसरा मेथड जिसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ी दैट दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्शुअली ट्रैक्ट इंफेक्शन एंड एड्स इस पे लगा लो चार सितारे कि कौन सा मेथड है जिससे बच्चों एस टी

क्या बोला जाता है फेमीडोम्स और फेमशील्ड ठीक है दे आर डिस्पोजेबल एंड कैन बी सेल्फ इंसर्टेड देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर याद रखना है ये जो कॉन्डम्स है फीमेल एंड मेल कॉन्डम्स दीज आर सिंगल यूज डिवाइसेस मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स

Which includes diaphragm, cervical caps and waltz. These are also barrier method which are inserted into the female reproductive tract. So females use फीमेल ठीक है They will cover the cervix during the coitus. जो फीमेल के एक्सटर्नल genitalia लिया उसको कवर कर लेंगे अगर वो कवर है तो बच्चे उसके बियॉन्ड तो semen का सैंपल नहीं जाएगा लेकिन ये जो तीन मेथड है कौन कौन से Diaphragm, सर्विकल कैप्स एंड वोल्टीज मेथड्स कैन बी रीयूज इनको वॉश करके स्टेलाइज करके दोबारा से यूज किया जा सकता है लेकिन ये जो ऊपर के मैंने आपको दो मेथड्स बताए हैं यूज ऑफ कॉन्डम्स मेल एंड फीमेल दीज कैन नॉट बी यूज रीयूज दीज आर सिंगल यूज मेथड ठीक है एंड टॉकिंग अबाउट दिस वन ये जो डायफ्राम सर्विकल कैप्स और वोल्वस है इनकी एफिशेंसी और बढ़ सकती है इफ दिस अगर इनको स्पॉम कि जाए तो इनकी एफिशंसी और बढ़ जाती है ये सारे एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है सो देट द कंसेप्शन बाई ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पॉम ये क्या आया इनका एमओ ए आया थ्रू द सर्वेक्स एंड दे आर रीयूजेबल लास्ट थीन वाले के बारे में बात कर रहे हैं दे आर रीयूजेबल स्पर्मीडल जेलीस क्रीम्स फोम्स आर ऑल्सो यूज अलॉन्ग विदीज बैरियर टू इंक्रीज देअर एफिशंसी यही बात की है हमने यही बात की है तो एक एक लाइन में से क्वेश्चन बनता है बच्चों यही लाइन आपको एज इट इज लिखी हुई आ जाती है और पूछते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अरे एनसीईआरटी पढ़ी होगी तभी तो निकालोगे कि कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है और आज के सेशन के बाद भी क्वेश्चन आने वाले हैं अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो क्वेश्चन भी आपके नहीं निकलेंगे ठीक है तो हाईली सीरियसनेस इज रिक्वायर्ड सो दिस इज द फिगर विच इज गिवन इन एन सी ई आर टी फॉर बैरियर मैथड यू कैन सी कॉन्डम्स फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल्स चलिए अनदर इफेक्टिव मैथड जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ दैट इज कौन सा मैथड है यूज ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस यस बच्चों यूट्रस के अंदर प्लेस होने वाली डिवाइसेस दिस इज थर्ड मैथड आई यू डी या फिर इनको क्या बोल सकते हो आई यू सी डी इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस और इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस अब अगर इसके नाम में ही आ रहा है इंट्रा यूट्राइन यूट्रस के अंदर प्लेस करना है तो कौन यूज करेगा इसको मेल या फीमेल बता दो कौन यूज करेगा इंट्रा यूट्राइन मेल या फीमेल कम ऑन गाइज मुझे बहुत फास्टली आंसर चाहिए अब इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जिसके पास यूट्रस वही यूज करेगा ना किसके पास है फीमेल के पास है सो दीज डिज दिस मेथड इज एडॉप्टेड बाई फीमेल ठीक है सो आई यूसीडी आर इंसर्टेड बाई डॉक्टर्स ये इंपॉर्टेंट है सेल्फ इंसर्शन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस मेडिकल प्रैक्टिशनर

दूसरा है कॉपर रिलीजिंग तीसरा है हॉर्मोनल तीनों के बारे में बात करते हैं सो फर्स्ट वन इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज फर्स्ट वन नॉन मेडिकेटेड आयुडीज जिसको मैंने इनर्ट बोला है जिसको बोलते हैं लिपेज लूप, देन बच्चे सेकेंड वन कॉपर रिलीजिंग आई जिसमें से कॉपर रिलीज होता है लाइक कॉपर टी कॉपर सेवन मल्टीलोड थ्री सेवेंटी फाइव और तीसरा हॉर्मोन रिलीजिंग प्रोजेस्टासर्ट एंड लेमोनोजेस्ट्रल ट्वेंटी एल एन ट्वेंटी इसमें से बन गया बच्चों आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यस कौन सी डिवाइस कॉपर रिलीजिंग है कौन सी हार्मोन रिलीजिंग है और कौन सी इनर्ट आईओडीज है मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर मोस्ट फेवरेट ठीक है सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बच्चों बात करते हैं बायोलॉजिकली इनर्ट बायोलॉजिकली इनर्ट आईडी ठीक है जिसका एग्जाम्पल क्या दिया है लिपेज लूप लिपेज इज लू ठीक है इसी को नॉन मेडिकेटेड आईयूडी बोला है अब ये पहले यूज होता था आज के टाइम पे मेथड ज्यादा यूज नहीं होता है क्योंकि बच्चों ये यूट्रस में तो इम्प्लांटेशन नहीं होने दे रहा, जो कि एक अच्छी चीज़ है तभी प्रेगनेंसी अवॉइड होगी लेकिन ये क्या कर रहा है एक्टोपिक टॉपिक कॉज कर रहा है इट इज़ अलाउंग इम्प्लान इन फेलोपियन ट्यूब

इस तरीके से टी शेप डिवाइसेस होती हैं विच आर इंसर्टेड इन टू यूट्रस वाया वेजाइना और इनका काम क्या है दे विल कीप ऑन रिलीजिंग कॉपर आय देखो हर इसकी ना वैलिडिटी होती है आई यू डीज की कि कितने साल के लिए वैलिड है तीन साल पाँच साल दस साल कितने साल के लिए अब जितने साल की इसकी वैलिडिटी है उतना टाइम ये कॉपर आयन को रिलीज करते रहेंगी और कॉपर आयन क्या कर सकते हैं कॉपर आयन रिलीज दे विल सुपरेस्ट द फॉर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पॉम ये बन गया इनका एम ओ ए मोड ऑफ एक्शन कि जो कॉपोराइंस आए दे विल सुपरेस्ट देयर मोटिलिटी मोटिलिटी अगर कम हुई तो ये पहुंच ही नहीं पाएंगे एम्प्यूला तक पहुंच ही नहीं पाए तो कहाँ फर्टिलाइजेशन हो पाएगी ठीक है प्लस दे विल इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म जनरली जो आपके है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस स्पेशली कॉपर बेस्ड ये क्या करती है द इंक्रीज दिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंडोमेट्रियम मतलब एंडोमेट्रियम के द्वारा डब्ल्यू बीसी रिलीज होने चालू हो जाएंगे जो स्पर्म की क्या करेंगे फैगोसाइटोसिस दूसरा क्या करेंगे उनकी मोर्टिलिटी को कम करेंगे ठीक है ठीक है सबका ध्यान बच्चों 100 यहां होना चाहिए कोई भी बच्चे बातों में प्लीज इंडल्स मत करो आप जानते हैं फेस्टिव सीजन था लेकिन क्या फेस्टिव सीजन पे की तरफ से पढ़ाई रुकी एक भी दिन रुकी बता दो नहीं रुकी ना बिकॉज वी नो द इंपोर्टेंस ऑफ योर सिंगल डे आप खुद रियलाइज नहीं कर रहे हो खुद भी रियलाइज नहीं कर रहे हो आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं एक एक मिनट अपना कहा निकाल रहा हूं क्या कुछ नया सीख रहा हूँ नहीं सीख रहा हूं बिकॉज ये टाइम इट विल नॉट कम अगेन मार्क माई वर्ड बच्चों ये वक्त दोबारा नहीं आएगा बाद में जो बचेगा वो बचेगा पछतावा एंड आई रियली डोंट वॉन्ट दैट आप मेरे बच्चे जो यहाँ पर रोज़ देखने आते हैं रोज़ बच्चों पढ़ने आते हैं उनको कभी भी पछतावा हो तो अभी जितना टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज़ करिए जितना टाइम मिल रहा है वहाँ पर नई चीज़ों को समझिए एक एक वर्ड का मतलब मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ तो अटेंशन तो बच्चे चाहिए ठीक है

एग्जाम्पल प्रोजेस्टासर्ट एंड एल एनजी ट्वेंटी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये क्या करेंगे दे विल मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन इनका एमओ ए क्या है इनका एमओ ए है यूट्रस को यूट्रस को बच्चे इन हॉस्पिटेबल बना देना इन हॉस्पिटेबल बना देना फॉर इम्प्लांटेशन पहली चीज क्योंकि इनके अंदर है क्या हॉर्मोन्स कौन से हॉर्मोन्स हैं दे हैव गॉट प्रोजेस्टेरोन एनालॉग प्रोजेस्टेरोन एनालॉग एनालॉग का मतलब है सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा लेकिन रियल uh, प्रोजेस्टरॉन नहीं है सिंथेटिक डेरिवेटिव है जो काम क्या करता है सेम करता है रियल क्यों नहीं ले लिया रियल इसलिए लिया क्योंकि अगर उसको बॉडी में इंसर्ट करोगे इट विल डिग्रेड बहुत जल्दी वेरी अर्ली इट विल डिग्रेड सो दैट इज वाई वी यूज प्रोजेस्टर एनालॉग्स वो कोई प्रोजेस्टिन भी हो सकता है प्रोजेस्टोजन भी हो सकता है इट कुड बी एनीथिंग नाउ दिस इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टरॉन क्या क्या कर सकता है पहली चीज क्या करेगा इट विल मेक दूटरस इन हॉस्पिटेबल फॉर इम्प्लांटेशन तो चाहे फर्टिलाइजेशन हो जाए, इम्प्लांटेशन नहीं होगी इम्प्लांटेशन नहीं हुई तो कोई नहीं दूसरा क्या कर सकता है? फीडबैक मिला तो अल्टीमेटली नो ओव्यशन ओवलेशन भी नहीं हो पाएगा तीसरी चीज सर्विकल म्यूकस को क्या बनाता था बताइए बताया था ना मैंने ऐसा सर्विकल म्यूकस को क्या करते थे प्रोजेस्टरॉन देखो चौदह दिन से पहले था एस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है इसके बाद कौन सा था प्रोजेस्टरॉन धीरे धीरे करके प्रोजेस्टरॉन भी बढ़ा बढ़ा बच्चों ठीक है ये देखो बढ़ा और प्रोजेस्टरॉन ने सर्विकल म्यूकस को क्या बनाया था ठीक थिक बनाने की वजह से इट इज इनहिबिटिंग पेनिट्रेशन ऑफ स्पॉम्स तो सर्विकल म्यूकस को भी क्या बनाते हैं थिक जो स्पर्म की एंट्री के लिए एक तरीके का हिंड्रेंस काम करता है तो प्रोजेस्टरॉन ने तीन काम कर लिए तीनों में से कोई एक तो एप्लीकेबल होगा कोई एक तो काम करेगा ठीक है सो so, आईओडीज हॉर्मोनल आयोडीज दे आर मेकिंग द यूट्रस इन हॉस्पिटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पोम यही बात है सर्विक्स का म्यूकस थे करके क्या बना रहे हैं उसकी हॉस्टिलिटी को इनक्रीज कर रहे हैं ताकि स्पोम्स पेनिट्रेट करके अंदर ना जा पाएं ठीक है आई यू डीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बताया उनके लिए डिले प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन दो बच्चों के बीच में कुछ ईयर्स का गैप चाहते हैं उनके लिए दिस इज द आइडियल मैथड एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मैथड इन इंडिया ये भी बनता है एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट कि सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड में से सबसे फेमस मोस्ट वाइडली यूज कौन सा है आई यू डीज ठीक है नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट मेथड इज बच्चों यूज ऑफ इम्प्लांट्स अगला मेथड कौन सा है अगला मेथड कौन सा है यूज ऑफ इम्प्लांट्स

अगला देखते हैं नेक्स्ट वन इज ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन किसकी ड्रग्स की सो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल टेबलेट्स लेंगे यहां पर किसकी प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन तो ये जो ओरल पिल्स होती हैं वो दो तरीके की होती है दे आर ऑफ टू टाइप्स वन आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन पिल्स कॉम्बिनेशन पिल्स अदर वन कॉल्ड मिनी पिल्स दूसरे को क्या बोलते हैं मिनी पिल्स कॉम्बिनेशन पिल्स मतलब इसमें एस्ट्रोजन भी होगा और एनालॉग भी होगा ई प्लस पी का कॉम्बिनेशन है और मिनी पिल्स में सिर्फ क्या होगा प्रोजेस्टर एनालॉग होगा ठीक है सो so, दो तरीके की है स्मॉल डोजेस ऑफ प्रोजेस्ट और प्रोजेस्टर एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन नर यूज इन दें पॉपुलरलीज पिल्स अभी कैसे लेनी होती है दीज ओरल पिल्स दे तक आपको लगातार ये पिल खानी है ताकि उस दौरान बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या रहे हाई रहे प्रोजेस्टेरॉन हाई रहेगा तो वही तीन चीजें होंगी ओवुलेशन प्रिवेंट होगी यूट्रस इनहॉस्पिटेबल हो जाएगा और सर्विकल म्यूकस क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा तो इन 21 दिनों में इन 21 दिनों में अगर ओविलेशन ही नहीं हुई तो नो प्रेगनेंसी प्रेग्नेंसीन हैपन देन बच्चों अगले सात दिन के लिए फीमेल हैज़ टू टेक अ गैप अगर गैप होगा पिल नहीं लेंगे वो पिल नहीं गई तो बच्चे प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम हुआ और इसी दौरान क्या हो जाएगी मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी देन अगेन देन अगेन बच्चों ट्वेंटी वन डेज के लिए पिल लेनी है सात दिन का गैप होएगा ताकि हर इस गैप वाले टाइम पे मेंस्ट्रुएशन होती जाए एंड साइकिल वुड भी नॉर्मलाइज आप ध्यान दीजिए मेंस्ट्रुएशन होगी चाहे ओवुलेशन नहीं हो रही है ट्वेंटी वन डेज तक हमने ओवलेशन नहीं होने दी बट फिर भी क्या हो रही है मैंस्ट्रोशन होगी ठीक है सो पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर डेज स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट फाइव डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल देन बच्चों गैप लेना है सात दिन का तो इस तरीके से ना ऐसे पिल्स बन के आती है पूरा जो पत्ता होता है वो आता है कि ट्वेंटी वन डेज तक वाइट वाली लेनी है फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी वन डेज पर इस टाइप की लेनी है Then, since female, ताकि भूल ना जाए तो सेवन डेज के लिए डॉक्टर बोलते हैं डिफरेंट कलर वाले लेनी है अब ये डिफरेंट कलर वाली में क्या होगा डिफरेंट कलर वाली में कुछ नहीं है दीज आर आयरन ओनली क्या है दीज आर आयरन कंटेनिंग फेल ओनली ठीक है तो ट्वेंटी वन डेज तक हॉर्मोनल पिल एंड नेक्स्ट सेवन डेज जस्ट फॉर मेकिंग द रेगुलरिटी डॉक्टर ले लीजिए और उन सात दिन में हॉर्मोन का लेवल कम होगा तो मैं हो जाएगी एग्जाम्पल माला डी एग्जाम्पल माला एन ठीक है सो आफ्टर अ गैप ऑफ सेवन डेज इट हैज बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन अब बड़ा इजी uh, मेथड सोचा जाता है क्योंकि

यहां पर ये चीजें घर कर जाए घुस जाए कि हार्मोन आएंगे तो तीन काम करेंगे ओविलेशन को को करेंगे, यूट्रस इनहॉस्पिटेबल बना देंगे और म्यूकस को क्या कर देंगे क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस एनसीईआरटी भी वो तीन वर्ड बोल रही है मैम भी तीन वर्ड बोल रही है तो ये क्या बन गया इसका ओ ए मोड ऑफ एक्शन ऑफ पिल्स ठीक है सो पिल्स आर हाईली इफेक्टिव साइड इफेक्ट्स भी क्या है कम है एज वेल एज वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स साइड इफेक्ट्स कम है ऐसा नहीं है कि नहीं है हॉर्मोन्स हैं कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स होते हैं समटाइम्स बच्चों इसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है समटाइम्स इसकी वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है समटाइम्स इट लीड्स टू पेन एज वेल इट लीड्स टू एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द स्किन समटाइम्स इट लीड्स टू एक्ने एज वेल कुछ भी हो सकता है सो इंडिया ने इस पर काम किया कि हम एक ऐसी पिल डेवलप करें जिसमें हॉर्मोन ही ना हो बट स्टिल वो कॉन्ट्रासेप्शन कौन, का काम करे दैट इज दैट इज बच्चों सहेली कल बात की थी इसके बारे में विच इज एक्चुअली सेंट क्रोमैन विच इज एक्चुअली सेंट क्रोमैन जिसको बेचा जाता है इट इज मार्केटेड बाय द नेम सहेली दैट इट्स हाईली न्यू कॉन्ट्रोसेप्टिव डिवाइस लेकिन ये कैसी डिवाइस है इट इज नॉन हॉर्मोनल नॉन स्टेरॉइडल प्रेपरेशन किसने बताया था सबसे पहले पिल इंडिया ने कौन सा इंस्टीट्यूट था बच्चों बताइए कौन सा था सी डी आर आई लखनऊ सी डी आर आई लखनऊ इज द इंस्टीट्यूट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसने क्या बनाई सबसे पहले नॉन हॉर्मोनल नॉन स्टेरॉयडल पेल जिसमें कोई प्रोजेस्ट्रॉन का एनालॉग नहीं है तो कैसे प्रिवेंट करेगा ये प्रेगनेंसी कैसे बाय ब्लॉकिंग द एस्ट्रोजन रिसेप्टर एस्ट्रोजन आ रहा है उसका रिसेप्टर ही नहीं है उसने मॉडिफाई कर दिया है एस्ट्रोजन के आने से जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो अपने यहाँ ऑपुलेशन नहीं होगी नहीं होगी येस सो इट इज वंस अ वीक पे सबसे बड़ी चीज कि इसको डेली नहीं लेना है तो ये इसके बेटर चीज है कि फीमेल को याद नहीं रखना है कि रोज लेना है रोज लेना है हफ्ते में एक बार लेने वाली है विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू राइट क्लियर ठीक है चलिए अगला आता है इम्प्लांट्स इम्प्लांट्स में भी हार्मोन्स ही होते हैं जो भी दिखाए थे ना मैंने आपको छोटे छोटे कैप्सूल्स इस तरीके से कैप्सूल्स राइट दिस काइंड ऑफ कैप्सूल्स इन प्लांट में भी आईदर ओनली बच्चे द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेंस प्लस एस्ट्रोजन कुड बी यूजर द स्किनर वही तीन चीजें वही तीन चीजें ओबुलेशन नहीं होने देंगे है ना मैम आपको याद करा के छोड़ेंगे यूट्रस को इनहॉस्पिटेबल बनाएंगे और म्यूकस को क्या करेंगे ठीक करेंगे एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर अब देखो पिल तो लेनी थी हर दिन याद करना पड़ता था माला डी माला रोज लेनी पड़ रही है रोज लेनी पड़ रही है, है सहेली की बात करें तो हफ्ते में एक दिन लेनी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं भूलने का चक्कर रहता है एक माइंड में रहता है सो so वहां पर आते हैं आपके इम प्लांट्स में भी सेम मोड ऑफ एक्शन है एमओ सेम है लेकिन वंस द इम आर इंसर्टेड इन टू अंडरनीथ योर स्किन दे कैन वर्क फॉर थ्री ईयर्स लॉन्ग दे कैन वर्क फॉर फाइव ईयर लॉन्ग और ऐसा नहीं है कि अगर इन पांच साल के बीच में कपल का प्लान बना टू हैव अ

अगली क्लास में कब करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस इमरजेंसी एंड टर्मिनल मेथड सर्जिकल मेथड कल करेंगे राइट चलिए चलिए ओके ओके नाउ द टाइम फॉर क्विज इट्स टाइम फॉर आवर क्विज क्विज में हम जानते हैं हम क्या डिस्कस करते हैं क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रोसेप्टिव मैथड विल मेक यूट्रस इनहॉस्पिटेबल फॉर इम्प्लांटेशन उन्हीं तीन में से एक चीज आ रही है कौन यूट्रस को इनहॉस्पिटेबल बनाएगा कम ऑन गाइज डायफ्राम ठीक है डायफ्राम कॉन्डर्म्स आईयूडीज और नैचुरल मेथोड बता दो कम ऑन गाइज कम ऑन कम ऑन फटाफट से बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल मेक यूट्रस इनहॉस्पिटेबल फॉर इम्प्लांटेशन डायफ्राम और मेथड <laughs> कौन बना था, था जिसमें से हार्मोन रिलीज हो रहे थे क्या डायफ्राम कोई हार्मोन रिलीज करता है नहीं करता कॉन्डम्स कोई हार्मोन रिलीज करती है नहीं करते नेचुरल मेथड जिसमें पीरियडिक एब्सिडेंस आ रहा था विड्रॉल आ रहा था उसमें से तो कोई हार्मोन कोई डिवाइस कुछ यूज नहीं हो रहा था तो कौन इनहॉस्पिटेबल बनाएगा ये जो आप सोच रहे हैं intrauterine devices or intrauterine contraceptive devices yes sabne c answer diye c is the right answer next question which one of the following is a natural method of contraception dekho question aane hain simple लेकिन उनके लिए वो simple होते हैं जो पढ़ के जाते हैं जिन्होंने अच्छे से flow chart ही नहीं बनाया कि कौन सा नेचुरल है कौन सा बैरियर है कौन सा आई है तो कैसे बात बनेगी वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल स्टरलाइजेशन आई यूडी डायफ्राम और पीरियडिक एप्स बताइए बताइए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा है देखो स्टरलाइजेशन इज नॉट नेचुरल नेचुरल वो है जिसमें कोई सर्जरी कोई डिवाइस कुछ यूज नहीं हो रहा है आई में तो आई खुद यूज हो रही हैं डायफ्राम में भी डायफ्राम को यूज करना पड़ रहा है periodic abstinence calendar method rhythm method is one of the example of the natural method yes the correct answer is option number d chale agla सेप्टिव मेथड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एच आई वी एच आई वी विच इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन प्रोवाइड करेगा बताया था जो बच्चे फिजिकल कॉन्टेक्ट एक्सटर्नल जेनेटिलिया में नहीं होने देते हैं वही प्रोवाइड करेंगे दैट मीन्स हेयर वन और दर बैरियर मेथड वुल प्रोवाइड प्रोटेक्शन तो बैरियर ढूंढ लो क्या आई एक बैरियर मेथड है नहीं पिल्स क्या एक बैरियर मेथड है नो पीरियोडिक एप्सेंस कौन सा मेथड है नेचुरल मेथड है कौन सा है नेचुरल मेथड कौन सा बचा है यहाँ पर यूज ऑफ कॉन्डर्म्स विच इज अ बैरियर मेथड एंड इट इज हाईली इफेक्टिव और इसका यूज भी रिसेंट ईयर्स में बढ़ा है ओनली बिकॉज इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज चलिए द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली ये मैंने कल कराया था देखिए, 2018 का क्वेश्चन है 2018 सहेली क्या है कैसे काम करती है एमओ पे क्वेश्चन आया वॉट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ सहेली देखो इट इज नॉन हॉर्मोनल नॉन स्टेरॉयडल ठीक है तो इट विल नॉट इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ एनी हॉर्मोन ये नहीं हो सकता ठीक है पोस्ट क्वारटल कॉन्ट्रासेप्टिव भी नहीं है आई भी नहीं है ये तो एक पिल है ये तो एक टेबलेट है कैसे काम करती है कैसे काम करती है इट ब्लॉक्स द एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग द एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों क्या रहेगा जो आप बता रहे थे ऑप्शन नंबर ए ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ठीक है चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हॉर्मोन रिलीजिंग होमवर्क दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लो आई पर्सनली चेक ऑल द कॉमेंट इन द सेक्शन कॉमेंट सेक्शन में देखती हूँ कौन बच्चे ठीक आंसर दे रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हॉर्मोन रिलीजिंग एल एनजी ट्वेंटी मल्टीलोड थ्री सेवेंटी फाइव लिप इज नूपर कॉपर सेवन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा आपको मैंने वो पैराग्राफ में चार सितारे भी बनवाए थे कि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा ठीक है देख लो नीट 2016 का क्वेश्चन है नीच 2016 कर लिया नोट एक और होमवर्क मिलेगा ओके ये तो सेम ही आ गया हां जी ये भी आपका क्या है होमवर्क थोड़ा सा बड़ा होमवर्क हो रहा है तो क्या करते हैं इसको हम अगली क्लास में यहीं पर डिस्कस करेंगे वैसे जो लोग नोट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं 2008 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है एमओएस पे किसका किस क्वेश्चन है एम ओ ए दिस इज ऑल्सो होमवर्क टेक द स्क्रीन शॉट टेक द शॉट ठीक है पिल इनकम क्या है देख रहे हो एमओ ए मोड ऑफ एक्शन क्या है और हमने हर एक का मोड ऑफ एक्शन किया है अगली क्लास में मैं आपको लिस्ट करके भी बताऊंगी कि क्या एमओ एज है कैसे करने हैं राइट right? चलिए सो दिस इज अड्यूल ऑफ आवर स्पेशल क्लासेस स्पेशल क्लासेज एन अकेडमी की लर्निंग ऐप पे होती है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं ठीक है ठेके? आप वहां पर हम सबको फॉलो कर लीजिए ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो यूट्यूब पे दिस इज अ स्केड्यूल बॉटनी जुअलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है हमारी बहुत अमेजिंग सी टीम यहाँ पर काम कर रही है वी हैव प्रतिका मैम प्रदीप सर फॉर बॉटनी महेंद्र सर अनुगुप्ता सर फॉर फिजिक्स दीपक सर एंड अनूप सर फॉर केमिस्ट्री और आपकी मैम तो सामने खड़ी है, है ना जोलॉजी में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डेली हमारा टाइमिंग्स क्या है फाइव पी एम टेलीग्राम चैनल इस लिंक पर जाके ज्वाइन कर लो ताकि सेशन का नोटिफिकेशन मिस ना हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा वहां से ले लीजिएगा आप सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सारी क्लासेस क्या होती है लाइव प्रॉपर बैचेस चल रहे हैं हमारे इलेवेंथ का भी ट्वेल्थ का भी वेरी सुन क्रैश कोर्स इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट टेस्ट सीरीज चलेगी वहां पर जिसका एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपका कैसा ग्राफ बन रहा है कहाँ पर मेहनत करनी है कहाँ पर स्ट्रैटेजी चेंज करनी है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं एंड बच्चों एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको इसी बैच में पढ़ना है आप जिस बैच में पढ़ना चाहते हैं उसमें पढ़ सकते हैं वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस एंड बच्चों देख रहे हैं इलेवंथ का बैच भी चल रहा है क्लास ट्वेल्थ का बैच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन क्या करना रहेगा अनअकेडमी की लर्निंग ऐप में जाना है प्लस में जाना है नीट यू जी एंड देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन द कोर्स फॉर यू दीज आर गोइंग टू बी सिक्स मंथ वन ईयर एंड टू ईयर कोर्स एक महीने और तीन महीने में तो प्रेपरेशन पूरी इन एनी केस नहीं होती है ट्वेंटी ट्वेंटी टू वाले टू ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाले देखो सिक्स मंथ और वन ईयर में से आपके पास चॉइस है मैं बोलूंगी वन ईयर इज अ बेस्ट ऑप्शन जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड बट येस यू कैन गो फॉर सिक्स मंथ एज वेल क्योंकि हमें नहीं पता एग्जाम कब होगा मे में भी हो सकता है जुलाई में भी हो सकता है मे में हो रहा है तो ये चल, चल जाएगा बट अगर जुलाई में हुआ तो दो महीने वेस्ट हो गए ना दैट इज वाई मैंने बोला था वन ईयर इसमें आप क्या यूज करेंगे कोड यूज करेंगे सीप लाइव जिससे आपको क्या बेनिफिट होगा टेन परसेंट ऑफ ऑन दोटल अमाउंट एंड बचसक्रिप्शन सिंपल सा कोड है याद रखना है और ये कोड यूज करने से आपको सबके सेशन दिखेंगे सारे टी टीचर्स जितने भी नीट यूजी कैटेगरी में अवेलेबल हैं दिस इज कोड नॉट फॉर वन सब्जेक्ट दिस इज अ कोड फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ठीक है सारे सब्जेक्ट सारे टीचर्स एंड वन मोर सब्सक्रिप्शन दैट वी हैव दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको मिलता है पॉस्टलाइज कोच देखो मुझसे पूछोगे मैं तो बिना सोचे बोलूंगी आइकॉनिक लेना चाहिए क्योंकि वहीं पे आप आपके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी बनती है पर्सनलाइज्ड कोच मिलता है उसमें भी मैम इज अवेलेबल टू हेल्प यू दैट इज सी प्लाइव ठीक है ये कोड यूज करोगे तो टेन परसेंट ऑफ ऑन टोटल अमाउंट एंड द कॉस्टिंग्स विल बी अराउंड दिस मच आपकी खाई हुई रोटी किसी और को तो नहीं लगती है ना है ना आपकी भूख अलग है उसकी भूख अलग है तो आपकी भूख के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी बनती है एक्सपर्ट गाइडलाइंस के अंदर काम करते हो आपके लिए वर्कशॉप्स अटेंड होगी मेंटोर मिलेगा जो आपके लिए प्लानर बनाएंगे आपके टेस्ट को एनालाइज करेंगे इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई भी प्लेटफॉर्म आपको आ, कोई भी कोर्स दे सकता है जिसमें आपके साथ पूरे टाइम तक दो साल तक एक पर्सनलाइज कोच एक मेंटोर रहेगा ठीक है तो आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना एंड दोनों होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर देना दीज आर आवर अदर चैनल्स चैनलमी प्लेटफॉर्म डू फॉलो देम एज वेल नाउ आई विल सी यू टुमारो कल मिलेंगे बच्चों पांच बजे सेम टाइम पर तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर एंड स्टे हेल्थी